गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई होप यू वेट फॉर कंप्यूटर्स वीडियोज़, सो आई विल रेडी फॉर यू ए वेरी इंटरेस्टिंग कंप्यूटर बेसिक कॉन्सेप्ट दोज यू हैव प्रोवाइड इन लेसन वन चैप्टर वन नोमिंग अबाउट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है इसके बारे में हम बेसिक रूप से जानेंगे समझेंगे, लेकिन आपको वीडियो ध्यान से सुनना होगा। ओके गाइज, लेट अस वी विल स्टार्ट लेसन वन नोविंग अबाउट ए कंप्यूटर। वन वन टॉपिक आई विल गिव यू प्रोवाइड द वीडियो। ओके, सो यू विल वॉच माई वीडियो रेगुलर एंड गिव मी कमेंट्स इफ एनी डाउट्स इन वीडियोज वनली। ओके, पर्पज ऑफ द मशीन। वेन वी फीड इनपुट इन मशीन इट वर्क्स ऑन द इनपुट एंड चेंजेज इट इन टू यूजफुल आउटपुट। कभी भी किसी भी चीज़ को हम यूज करते हैं घर में किसी भी रूप से, तो हम उसको सबसे क्या ज़रूरत समझते हैं कि मतलब उस काम को हम काटे पीटे छाटे या फिर कुछ भी करके उसको हम अपने यूजेबल फॉर्मेट में बनाएं। जैसे कि आप इजली पेंसिल खरीदते हो स्कूल से दुकान से, स्कूल में यूज करने के लिए घर पे यूज करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, पेंसिल रॉ मटेरियल हो गया, आप उससे लिख नहीं सकते हैं कब तक जब तक कि वो शार्प ना हो जाए। शार्प होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे पेंसिल, ठीक है, फिर पेंसिल के बाद उसको शार्पनर में लगाएंगे, शार्पनर में जियो लगाएंगे, वो प्रोसेसिंग वर्क होगा। कब तक होगा, जब तक कि आपके रिक्वायर्ड पेंसिल का शार्पनेस तैयार ना हो जाए। जो ही वो प्रोसेस ख़त्म होगा आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आपकी यूजेबल फॉर्मेट की थिंग्स आपके हाथ में मिल जाएंगी। यानी कि तीन प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ रहा है, एक तो इनपुट, फिर एक मशीन जिसमें आप प्रोसेस कर रहे हो, फिर आउटपुट आपके हाथ में आ जा रहा है। ठीक वैसे ही हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके पास। एग्जांपल वन, ए जूसर वर्क्स ऑन फ्रूट्स एंड गिव्स आउट जूस। जूस निकालने के लिए हम कैसे इनपुट क्या लेते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है और आउटपुट क्या होता है। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स को क्या करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, जूस भी फ्रूट्स का हमें जूस निकालना रहता है, फिर हम उसमें किस में डालते हैं, प्रोसेसिंग मतलब कि जूसर, जूसर जो मशीन है उसमें उसको कट पिट करके जैसे भी डालना है, जिस तरह की फ्रूट्स होंगे उस तरह के रॉ मटेरियल उसमें डायरेक्ट पड़ना पड़ेगा या फिर छिलके हटाकर, ठीक है, फिर आप उसको क्या करते हैं, जूसर को ऑन करते हैं और अपने रिक्वायर्ड टाइमिंग तक उसको चलने देते हैं कि ये इतने देर तक तैयार हो जाएगा। फिर आपको फाइनली उसके बाद क्या मिलता है, ग्लास में जूस, आपके पैन में जूस मिलता है और आप उसको पी लेते हैं और आपका काम फिनिश हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल आपको क्या कर रहा है कि आपको तीन साइकिल से गुजरना पड़ रहा है, एक इनपुट, दूसरा प्रोसेस और थर्ड है आउटपुट। नेक्स्ट तो इसको फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोई भी मशीन का वर्क होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बेस पर काम करता है। दैट्स वाई आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द वेरी बेसिक एग्जाम्पल फॉर पेंसिल एंड दिस वन फ्रूट्स। ओके, नाउ हियर वील डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर में कैसे ये काम होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देन वी विल थ्री पॉइंट्स हियर वी विल इंडिकेट इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे कि हम लोग फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इनपुट की जगह पे फ्रूट्स आ जाएगा, प्रोसेस की जगह पे जूसर और आउटपुट की जगह ग्लास, ग्लास में हम जूस ले रही हैं। तो ठीक वैसे ही इनपुट यहाँ पर मोबाइल का कंप्यूटर पे काम करेंगे तो क्या होगा, डाटा होगा और फिर उस डाटा को हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कहाँ से होगा, प्रोसेसिंग मशीन से। अभी हम बताते हैं आपको अच्छे से, इन्फॉर्मेशन उसको बदलेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में बदलेगा और फिर आपको आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट क्या हो सकता है, फोटोज फ्रॉम डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा के फोटो हो सकते हैं आपके इनपुट, कोई भी डाटा वर्क हो सकता है। फिर इसको आप क्या करना चाहते हैं, प्रोसेस क्रॉप एंड एयरब्रश इन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर से इसकी कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते थे, ये मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, प्रोसेस में होगा। और फिर इसको इन्फॉर्मेशन यानी कि हमें आउटपुट फॉर्मेट में जनरेट होने के बाद हम इसको आउटपुट में लाते हैं, यानी कि इम्प्रूव्ड फोटो डिस्प्ले आउटपुट में आ गया, हमारा काम फिनिश हो गया। तो ये हमारा कौन सा साइकिल काम कर रहा है, IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसी बेस पे हमारा कोई भी मशीन या कंप्यूटर काम करता है। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं डिफाइनिंग द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, अभी तक हम जनरली मशीन के बारे में बात कर रहे थे, अब समझना है कि हमारा जो
कंप्यूटर है वो क्या है? वी फीड इनपुट इनटू ए कंप्यूटर, हम इनपुट करते हैं कहाँ पे? कंप्यूटर में, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स। फैक्ट और डिटेल्स मतलब कि रॉ मटेरियल के रूप में। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन दोज फैक्ट्स, कंप्यूटर उस इनपुट पे क्या काम करता है? उसको एनालाइज करता है, प्रोसेसिंग करता है, एंड चेंज देम इनटू आउटपुट, और उसको हमको आउटपुट के फॉर्मेट में चेंज करके हमारे आउटपुट डिवाइसेस में शो करता है। लेट अस डिफाइन सम इम्पोर्टेंट टर्म्स विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेस पे हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इनपुट है, क्या प्रोसेस है, क्या आउटपुट है, तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंप्यूटर क्या पता चला? कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। बट कौन क्या काम करता है ये अब जानेंगे हम। डाटा क्या होता है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स विच आर अनऑर्गेनाइज्ड। डाटा हमारा जो है इनपुट है, इनपुट का काम करता है, और ये क्या होता है? अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। ये डिटेल्स अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होती है जिसको हम फीड करते हैं। तो ये हमारा डाटा क्या हो गया? इनपुट के फॉर्मेट में हो गया कंप्यूटर के लिए। फिर सर्कल क्या होता है? आईपीओ। तो आई मतलब क्या हो गया? इनपुट मतलब डाटा। फिर प्रोसेसिंग आता है, तो प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू मशीन टू चेंज डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग का काम क्या है? डाटा को अपनी यूजेबल फॉर्मेट में एक सिक्वेंशियल रूप में चेंज करके उसको इंफॉर्मेशन के रूप में बदलना। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग वर्क होगा। जो ही इंफॉर्मेशन के रूप में बदलेगा वो इंफॉर्मेशन हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, जैसे कि आउटपुट। इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। इंफॉर्मेशन इज द फाइनल रिजल्ट। इन्फॉर्मेशन क्या है? हमारा फाइनल रिजल्ट है विच कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। जब डाटा को हम इनपुट करते हैं और प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज यूजफुल टू ए यूजर एंड यूज इन डिसीजन मेकिंग। हम आउटपुट को ही इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये हमेशा हमारी यूजेबल फॉर्मेट में आ जाता है। जो हमारा अनऑर्डर डाटा था वो प्रोसेसिंग के बाद एक ऑर्डर डाटा में कन्वर्ट होकर हमारे यूजफुल मैटर के लिए संलग्नित हो गया। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। इन द टेबल बिलो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। यहाँ पर देखिए, आप इस कभी कभी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके पास डाटा मिलता है, आप उसको प्रोसेस करते हो, फिर इन्फॉर्मेशन देते हो टीचर्स को। जैसे कि 2 और 3 आपके पास डाटा है, प्रोसेसिंग क्या करना है? एडिशन। इन्फॉर्मेशन क्या मिला? 5। 3, 7, 1, 45, 21 इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में। तो 1, 3, 7, 21, 45 आपका इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया। ईशी, अरुण, सभी, मोना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको ऑर्डर करना है, सॉर्टिंग करना है। तो देखिए, अरुण, ईशी, मोना, सभी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल, कि कोई भी वर्क हमारा आईपीओ बेस पे ही काम करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और इनपुट हमारा क्या है? डाटा है। प्रोसेसिंग में कोई भी हमारा लॉजिकल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? आउटपुट है, जहां पर हमारा आउटपुट मिलते ही हमारा काम फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर एक लिटिल बिट कंप्यूटर डिफिनेशन। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब इनपुट पाता है, एंड प्रोसेस, अब उसके बाद उसको प्रोसेस करता है इट इनटू इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उसको हमको इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करके उसको हमको क्या करता है? प्रोवाइड करता है। किस फॉर्मेट में? आउटपुट के फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक वीडियो जो हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है और हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। जब हम माउस से कोई काम करते हैं तो देखिए, प्रिंटर से काम करते हैं प्रिंट आउट आता है, कीबोर्ड से काम करते हैं टाइपिंग होती है, माउस से हम इंडिकेट करते हैं, और हम कोई ईमेल करते हैं तो हमारा ईमेल अकाउंट में जाता है। आईपीओ साइकिल यहाँ पे देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यही हम आपको बता रहे थे कि कैसे हमारा सब कंप्यूटर काम करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, डाटा, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन। इनपुट क्या होता है? सबसे पहले हम इनपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन होता है जो हम फिट करते हैं अपने सिस्टम में। किसके किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जो कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक, ये 4 डिवाइसेज हैं जो हमें ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने का काम करते हैं। और ये डाटा और इंस्ट्रक्शन हमारे नंबर्स के फॉर्मेट में, लॉजिकल, सम, एवरेज, कुछ भी हो सकता है। तो और हमारे स्कूल और बैंक में काफ़ी लार्ज अमाउंट के डाटा होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के हेल्प से इनपुट करते हैं और उसमें सुरक्षित रख के फर्दर यूज के लिए
उसमें कैप्ट कर देते हैं, रख देते हैं ताकि हमारा फर्दर यूज हो जाए। तो इस तरह से इनपुट ये क्लियर हो। इनपुट पाने के बाद क्या काम करता है सिस्टम, प्रोसेस करता है। प्रोसेस कहाँ करता है, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी जो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन है। सीपीयू फर्स्ट डिफाइन है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, इसमें केवल अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के ही डाटा फीड होते हैं और वो कैलकुलेट होते हैं। CU, कंट्रोल यूनिट, डाटा को कंट्रोल करता है, वन बाय वन किसको एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है रजिस्टर, इसमें रजिस्टर मतलब कितने बीट का क्या है, स्टोरेज है, वैल्यूज, वैल्यू को स्टोर करता है, जो हमारा उससे कैलकुलेट होकर रिजल्ट आता है। फिर होती है मेमोरी, वो सब वर्क हमारी मेमोरी में होती है, जो रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी, रैंडम मैसेज मेमोरी, और रोम में हमारे फिक्स डाटा होते हैं जिस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। इसके बाद हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन में चेंज होकर आउटपुट में आता है। तो आउटपुट हमारा किससे किससे मिलता है, मॉनिटर, हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर यूज होता है, और गाना वाना सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को अच्छे तरीके से समझ लिए कि हमारा कंप्यूटर क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के ही माध्यम से काम करता है, और इनपुट हमारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं जिससे हम डाटा को सेंड करते हैं, फिर प्रोसेस हमारा सीपीयू में होता है, और आउटपुट हमारा मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर से मिलता है। थैंक यू। और कोई भी डाउट होगा तो आप यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट करेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में उसको बताऊंगा या फिर तुरंत बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा डे बाय डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।